क्रिस्टी ने नए पेरेंट्स के लिए लंबा इंतजार किया है और फिर एक चमत्कार हुआ, उसे अडॉप्ट कर लिया गया। अपनी नई फैमिली के साथ खुश रहना क्रिस्टी। ऑर्फनेज छोड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। नए पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने उसे लेने के लिए गाड़ी भी भेजी है। वाह वाह, वो वहाँ है, मेरी नई मॉम। वो बहुत बड़ी सुपरस्टार है। कितनी जल्दी पहुँच गए। मॉम, डैड, मैं घर आ गई। ओह, ये कौन है, मुझे जाने दो। लेकिन फैंस फोटोज लेने का मौका नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। अब क्रिस्टी एक सुपरस्टार की बेटी है। पर अफसोस, क्रिस्टी कैमरा के आगे पोज नहीं दे सकती, लेकिन वो इस बारे में बाद में सोचेगी। ये परिवार के साथ उसका पहला नाश्ता है। स्वीटी, थॉमस से मिलो, तुम्हारे नए डैड। फैमिली के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। सब कितने खुश हैं। वो अच्छे बर्ताव के बारे में भी भूल गए। कितनी सारी टेस्टी चीजें हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, उसे खुश रहने दो। क्रिस्टी को अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए मैनर्स की जरूरत नहीं है। फिर से वही फैंस, वो हर जगह हैं। खिड़कियों से देखते हुए, दरवाजों पर चढ़ते हुए। सच में, क्या हमें सैर पर नहीं जाना चाहिए? चलो भी सोचो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। भेस बदलना कैसा रहेगा? ये काम करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। चलो चले। ऐसा लगता है कि रास्ता साफ है, लेकिन थोड़ा और बच के रहना होगा। हेलो, हमें उसका ध्यान भटकाना होगा। अभी करता हूँ बॉस। फैंस बहुत बेवकूफ होते हैं। वो रही हमारी स्टार। ये फोटोज पूरी दुनिया में छा जाएगी। आज नहीं दोस्त, कैमरा मुझे दो। ओह नहीं, वो इसमें कैसे फंस सकता है? रास्ता खाली है फैमिली, मेरे पीछे आओ। हाँ, आखिर हम निकल गए। और फैंस को नया कैमरा खरीदना होगा। एनी स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही है। उसके फैंस को उसके गाने बहुत पसंद है। एनी के लिए तालियां और तोहफे बहुत आम बात है। कॉन्सर्ट से बहुत थकान हो जाती है, लेकिन क्रिस्टी जोश से भरी हुई है। बेशक, क्योंकि उसे ये सभी गिफ्ट्स मिलेंगे। सुपरस्टार की बेटी होना बहुत अच्छा है। और कॉन्सर्ट के बाद आप एक कैफे में टेस्टी बर्गर खाने के लिए रुक सकते हैं। यहाँ भी पेपराजी और फैंस हैं। मुस्कुराओ, एक ऑटोग्राफ सेशन, बेशक, पर कभी कभी बहुत दिमाग खराब हो जाता है। चलो यहाँ से चले। एनी छिपने में माहिर है। ओह, हमारी स्टार कहाँ है? वो गायब हो गई। उसके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। और आखिरकार फैमिली सेफ है। फ्यू, वो बच गए। और क्रिस्टी अपने साथ बर्गर्स भी ले आई है। बहुत बढ़िया, खाना चाहेंगे? वो फिर से आ गया। ओह खैर, अब सबको पता लग जाएगा कि एनी को फास्ट फूड पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, बर्गर सच में बहुत अच्छा है। टैलेंट कॉन्टेस्ट में स्वागत है। ये एक दिलचस्प शाम होने वाली है। ये आया पहला कंटेस्टेंट। यूकेलेली बजाना उसकी खासियत है। ओह नहीं, कोई उसे चुप कराओ। ये बकवास है। तुम्हें दो पॉइंट्स मिलते हैं जवान लड़के। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और जजेस को ये डांस कैसा लगेगा? ये बेहतर है। इतना जोश, इतना बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन तुम अभी भी फर्स्ट नहीं आने वाले। ये आ गई क्रिस्टी, वो भी हिस्सा लेना चाहती है। गुड लक स्वीटी। और आज क्रिस्टी एक गाना गाएगी। वो अपनी मॉम की तरह बनना चाहती है, लेकिन वो उनके जैसे बिल्कुल नहीं है। याइक्स, कितनी बेकार आवाज है। ऐसा नहीं हो सकता। इन जजेस को म्यूजिक के बारे में क्या पता है? एनी इसे ठीक कर देगी। क्रिस्टी और उसकी मॉम एक साथ गाएंगी। अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक क्रिटिक्स? वो तो सुपरस्टार एनी है। ये तो कमाल हो गया। ब्रावो, ब्रावो, हमें 10 मिले हैं। हम जरूर जीतेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलना अच्छा होता है। आज का दिन एनी के लिए बहुत बड़ा है। वो एक इंटरव्यू दे रही है। रिपोर्टर्स की एक पूरी टीम उसके घर आई है।
चलो शुरू करें। ये रही सुपरस्टार। लेकिन एनी अब सिर्फ एक सिंगर नहीं है, वो एक मॉम भी है और उसे अपने बच्चे का ध्यान रखना होता है। हाय, मुझ पर ध्यान मत देना, मैं बस अपनी किताबें ले रही हूँ। लगता है कि आज इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ, परेशान मत होइए। क्या है कि घर में एक बच्चा है। एक बच्चा? हमें अभी के अभी उसका इंटरव्यू लेना होगा। ये बहुत ही शानदार होगा। क्रिस्टी, हमें अपनी फैमिली के बारे में बताओ। हाँ जरूर, इंटरव्यू बहुत दिलचस्प होते हैं। ओह नहीं, बस काश वो कुछ ज्यादा ना बोल दे। घर पर अब और इंटरव्यूज नहीं। हर मॉम एड्स में नहीं आती है ना, लेकिन क्रिस्टी बहुत लकी है। उसकी खूबसूरत मॉम बहुत पॉपुलर है और उसका परफ्यूम शानदार है। यहाँ कितने सारे हैं? वाओ! चलो इन्हें अभी ट्राई करके देखते हैं। ओह, इसकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मॉम को इसके बारे में ना बताना ही बेहतर है। वैसे वो आ गई। स्वीटी, हमारे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। डैडी और मैंने सोचा कि अब समय आ गया है कि तुम खुद पैसे कमाओ। टारा, ये तुम्हारी अपनी डायपर कंपनी है। क्या ये प्यारा नहीं है? ये वैसे एक अच्छा आइडिया नहीं है। क्या परफ्यूम की ऐड करना बेहतर नहीं होगा? लेकिन आप अपने पेरेंट्स को उदास नहीं कर सकते, तो फिर डायपर ही ठीक है। और अब होगा एक और ऑटोग्राफ सेशन। अग, लेकिन अगर आप एक स्टार हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं इस तस्वीर में कितनी अच्छी लग रही हूँ। चलो एक कप कॉफी के बाद जारी रखते हैं। मॉम का ऑफिस कितना सुंदर है और हर जगह उनकी तस्वीरें हैं। मुझे अपनी मॉम को एक गिफ्ट देना चाहिए। मुझे पता है उन्हें ये ड्राइंग पसंद आएगी। ये आपके लिए है मॉमी, आपको ये पसंद आई? बिल्कुल क्रिस्टी, ये एक असली मास्टरपीस है। चलो इसे लटकाएं। जब आप बोर हो रहे हो तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप खाली बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं और प्यारे पेरेंट्स हमेशा आपका साथ देते हैं। क्रिस्टी, ये नया ट्रेंड बनने वाला है। ये देखो, टिकटॉक की फ्यूचर स्टार। एक छोटी सी फैमिली वीडियो कैसी रहेगी? हे सब्सक्राइबर्स, देखो मेरी क्रिस्टी क्या कर सकती है। ये कितनी टैलेंटेड है। और एनी सही थी, सिर्फ एक ही मिनट में इतने सारे लाइक्स। ट्रेंड इस तरह बनते हैं। एक जरूरी कॉन्सर्ट होने वाला है और बहुत बुरे वक्त पर कोल्ड हुआ है। हेलो, कॉन्सर्ट कैंसिल हो गया। थॉमस, मेरा प्यारा पति हमेशा मेरा ध्यान रखता है। कॉन्सर्ट कैंसिल करना है, लेकिन कैसे? सभी टिकट्स बिक चुकी हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। एनी नहीं गा सकती, लेकिन एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है। एनी, तुम्हारी जगह क्रिस्टी गाएगी। तुम दोनों काफी हद तक एक जैसे हो। मुझे नहीं पता, रुको जब तक तुम खुद नहीं देख लेती। एनी, हमारी बेटी ठीक रहेगी, शायद इससे कुछ अच्छा हो जाए। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो स्वीटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टेज पर जाने के लिए गुड लक। और चलो इस बीमारी के माहौल से बाहर निकलें। मॉम अपनी बेटी के परफॉर्मेंस देख सकती है। अब कॉन्सर्ट का वक्त है। क्रिस्टी बहुत सुंदर है, बिल्कुल मॉम पर गई है। चलो भी हनी, गाओ। नहीं, आज कोई गाना नहीं होगा। लोगों को वही दिखाना बेहतर है जो क्रिस्टी सबसे अच्छा करती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया क्रिस्टी। मेरे पेरेंट्स हमेशा इतने बिजी क्यों रहते हैं? उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। अभी नहीं स्वीटी। ओह, आप कितना काम कर सकते हैं? शायद मॉम अब उसके बाल बना देंगी। अभी नहीं स्वीटी। एनी हमेशा की तरह एक जरूरी बातचीत कर रही है और फोटोशूट में उसे परेशान ना करना ही बेहतर है। उसके पास काम करने वाले प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम है। मॉम, अभी नहीं स्वीटी। मैं अपने मॉम से कैसे बात करूं? पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन एनी सही फैसला लेगी। ये सभी वीडियोस, शूट्स, कॉन्सर्ट्स, मैं इनसे परेशान हो चुकी हूँ। फैमिली सबसे जरूरी है। मैं घर आ गई क्रिस्टी, तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे बाल बनाऊं, तो चलो शुरू करें। एनी हमेशा यही बनना चाहती थी, एक मॉम।
क्या आपको हमारी नई वीडियो पसंद आई? क्या आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स सुपरस्टार होते? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करें। ट्रूम ट्रूम वाओ पर और मजेदार वीडियोस मिस ना करें।